अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स थे कि आप प्लान को ओपनली शो किया करें, तो मैंने आज फाइनली आपके साथ एक प्लान शेयर करना है जिसकी डायमेंशन 30x30। ये जो हाउस है इसका फ्रंट भी 30 है और इसकी लेंथ भी 30 है। तो लेट्स स्टार्ट द प्लान। ये मेन गेट है, मेन गेट से हम एंटर होते हैं तो कार पोर्च है। कार पोर्च की जो डायमेंशन है वो 13x15 फिट है। इस तरफ आए तो ओपन स्पेस है 17x5 फिट की, 5 फिट ऐसे 17 ऐसे, ठीक है। तो कार्च पोर्च के बिल्कुल सामने एक बेडरूम है, इसको मैंने प्लस गेस्ट रूम भी लिखा हुआ है। मतलब जब आपके गेस्ट आए तो आप इसको एज अ गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं और वैसे आप इसको एज अ बेडरूम यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन है वो 17x10 फिट है। इसके साथ अटैच वाशरूम भी दिया हुआ है मैंने, तो वॉशरूम में टॉयलेट प्लस बाथरूम दोनों की फैसिलिटीज़ हैं। चूँकि जगह कम है तो इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों फैसिलिटीज़ दे दी हैं। इसमें मैंने स्काई लाइट दी हुई है, ये स्काई लाइट आपको नज़र आ रही है, ये रूफ स्लैब में स्काई लाइट है ताकि इसकी वेंटिलेशन होती रहे। तो कार्च पोर्च से जब आगे जाते हैं तो ओपन किचन है जिसकी डायमेंशन है 15x10। यहाँ तक है जहाँ तक किचन की स्लैब आ रही है। जो 5 फिट जगह बचती है वो एज आ मैंने डाइनिंग एरिया यूज़ कर लिया है। यहाँ पे किचन की स्लैब्स आ जाएंगी, यहाँ पे स्किन और किचन की दूसरी एसेसरीज जो भी हैं वो आ जाएगी। आगे अभी भी हमारे पास ये वाली जो जगह है वो 5 फिट बचती है, तो इसको हमने एज आ ओपन स्पेस यूज़ कर लिया है। इसकी जो डायमेंशन है वो 15x5 फिट एज ओपन स्पेस यूज। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो किचन है इसकी यहाँ पर विंडो आ जाएगी और इसकी वेंटिलेशन होती रहेगी। अब लास्ट पे ये बेडरूम आ जाता है, इसकी जो डायमेंशन है वो 15x10 फिट है और इसके साथ वही वाला अटैच वॉशरूम दे दिया जो कि इस बेडरूम के साथ था। तो ये था जी आज का प्लान 30x30 का। मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, कार्च पोर्च से ही हमने ये स्टेयर्स हमारी ऊपर जा रही हैं रूफ पे, ठीक है। तो यहाँ से ही हम अपनी स्टेयर्स ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये था जी आज का 30x30 का हाउस प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी कोई प्लान चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।